अज़ीज़ तुलबा, अब हम सबक नंबर 9 माहौल का हुस्ने इंतज़ाम से आफात का हुस्ने इंतज़ाम किस तरह से किया जाए इसकी मालूमात हासिल करेंगे। आफात के हुस्ने इंतज़ाम में सबसे पहले शामिल होता है कि आफात आने पर किस तरह से रद्द अमल किया जाए इसका मंसूबा तैयार करना। इस मंसूबे पर अमल करके हम आफात के ज़रिए होने वाले नुकसानात को कम या उनकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आफात के हुस्ने इंतज़ाम किस तरह से किया जाए। आफात के हुस्ने इंतज़ाम में दर्ज ज़िल निकात शामिल है। आफात से होने वाले नुकसान पर काबू पाना, बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा करना, आफात में होने वाले नुकसान या ज़ख्मी लोगों में उस ज़ख्म को बर्दाश्त करने की कुव्वत और हौसला पैदा होना चाहिए। इस तरह से आफात के ज़रिए से होने वाले नुकसान या ज़ख्म की शिद्दत को कम किया जा सकता है। आफात का सामना किस तरह से किया जाए इसके लिए पेशगी तैयारी कर लेना चाहिए। आफात के नुकसानात को कम करने के लिए हमें सबसे पहले आफत के दौरान जल्द अज जल्द फाल हो जाना चाहिए ताकि इससे होने वाले नुकसानात को कम किया जा सके और इस तरह से हम होने वाले जानी नुकसान को भी कम कर सकते हैं। आफात से मुतासर होने वाले या ज़ख्मी होने वाले लोगों की मदद करना, उन्हें आफात के मकाम से दूसरे महफूज मकाम या नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए और आफत के बाद हमें हमारी ज़िंदगी को अज़ सरे नौ शुरू करना चाहिए।